कड़ी में जो हमारे साथ आकाश पवार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आकाश, बात की जाए तो 3:30 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है, क्या कुछ वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है? सुबह से ही यहाँ पर लोगों को मतदान को लेकर के काफी जो है उत्साह देखा जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर अपना मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देने के यहाँ मतदाता जो काफी उत्साह के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। अगर बात करूं मैं अगर कोटा विधानसभा की, तो इस पूरे कोटा विधानसभा में सुबह से काफी वोट प्रतिशत काफी कम बताया जा रहा था। करीब 9 बजे तक जहाँ 9% थी जहाँ पर वोट प्रतिशत जो है वो था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया दोपहर होते तक यहाँ कोटा विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ करीब 27% जो है मतदान अभी तक इस पूरे विधानसभा में हो गया है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ मरवाही विधानसभा का जो क्षेत्र लगता है, इस मरवाही विधानसभा में भी क्योंकि ये एक ऐसी इलाका है और यहाँ पे काफी संख्या में जो आदिवासी वर्ग के लोग पहुंचते, उनके बीच में इस बार जो है अपने लोकतंत्र का सही उपयोग करने के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। और काफी देर से हम देख रहे हैं वहां पे कि उत्साह के साथ लोग जो है मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। अभी तक करीब बात की जाए तो मरवाही विधानसभा में 35% जो है मतदान हो चुका है। वहीं कोटा विधानसभा में जो है वो दोपहर 1 बजे तक के बीच 27% जो है वो मतदान जो हुआ हो चुका था। अभी इस वक्त मेरे साथ कुछ यहाँ पे युवा वर्ग के साथी जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए थे, उनसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि वो इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए पहुंचे हैं, क्या सोच करके वो यहाँ पे पहुंचे, आज मतदान देने के लिए आप पहुंचे हैं, क्या सोच करके आए थे, कैसी सरकार आप चाहते हैं, क्या विकास चाहते हैं, क्या मुद्दे को लेकर के आप अपना मत देंगे? चुनाव का जो पर्व है लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और हम सभी देशवासी प्रदेशवासी इस महापर्व में शामिल होने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी से ये निवेदन भी करूंगा कि बहुत ही कम समय बचा है, 3-3.5 लगभग बच चुके हैं, अभी 2-2.5 घंटे का समय बचा है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस महापर्व में इस लोकतंत्र में महाआहुति देने के लिए सभी लोग पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, जिससे प्रदेश में खुशहाली हो, अच्छी सरकार हो, विकास कार्य हो, लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पे कि युवाओं को जो है विकास के लेकर के आज यहाँ पर वो अपना मत डालने के लिए पहुंचे। कुछ युवा साथी मेरे साथ और खड़े हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि आप यहाँ पहुंचे हुए क्या सोच करके आप यहाँ पहुंचे हैं, कैसी सरकार चाहते हैं? बहुत अच्छे से, जिससे कम हमको कोई किसी चीज की नीड हो तो हम बोल पाए, और कभी ऐसे जरूरत तो बहुत ही कम पड़ती है कि क्योंकि मैं व्यापारी इंसानों पर मेरे को जरूरत कम पड़ती है, पर जिनको जरूरत पड़ती है उनका काम बिना किसी धन और बिना किसी इन्वेस्टमेंट की, जिनके उनको काम करवाना हो तो उनको पैसा देना पड़ता है, वो ना हो, ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है हमारे यहाँ। जी बिल्कुल, युवा इस बार जो है भ्रष्टाचार को लेकर के भी एक मुद्दा जो काफी यहाँ पर कह रहा था, युवा भी जो है जो मत अपना मत का जो है प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं यहाँ पर कुछ जो महिला मतदाता भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और काफी उत्साह जो इस पूरे मतदान केंद्र में, इस पूरे दोनों कोटा और मरवाही विधानसभा में काफी संख्या में, बड़ी संख्या में महिलाएं जो वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही थी। कुछ महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं किस तरह से वो यहाँ पे आज उत्साह के साथ पहुंची हुई है। काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपके कोटा विधान सभा क्षेत्र में। हाँ, बहुत उत्साह है महिलाओं में, खासकर महिलाओं की संख्या ज्यादा लग रही है और ये लोकतंत्र का महापर्व है, ये हर त्योहार से बड़ा पर्व लग रहा है। महिलाएं बहुत जागरूक हैं और बहुत बड़ी संख्या में आ रही हैं वोट करने, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आप देख रहे थे कि महिला मतदाताओं के साथ साथ यहाँ पर युवा वर्ग में भी जो काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो जिला प्रशासन के द्वारा जो है, निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है, कई यहाँ पर बूथ जो है उन पर जो है संगवारी बूथ जो है आदर्श मतदान के लिए बनाए गए हैं, जहाँ लोग जो है अपना मत का प्रयोग करने के बाद में सेल्फी के लिए, तो सेल्फी को लेकर के भी यहाँ पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर मत का प्रयोग करने के बाद यहाँ पर जो सेल्फी के लिए स्टैंड बनाया गया है वहाँ पहुंच रहे हैं, सेल्फी लेने पहुंच रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर इस बार जो है यहाँ मतदाताओं के लिए हेल्प डेस्क और महिला डेस्क जो वो भी सुविधा दी गई है। साथ ही जो यहाँ पे बुजुर्ग हैं, 80 साल से ऊपर के भी जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी यहाँ पर सहायता के लिए भी प्रशासन की तरफ से व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है और काफी व्यवस्था के साथ यहाँ पर इस बार जो है लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पीछे बिल्कुल आकाश, निश्चित तौर पर चुनाव का शंखनाद चल रहा है, जो वोटर्स कर रहे हैं। और बात की जाए तो यहाँ पर कोटा में भी, मरवाही की बात किया तो यहाँ पर भी अच्छा खासा उत्साह नजर आ रहा है वोटर्स में। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश।